तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल में देखो, इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक वो लिफ्ट के अंदर है, ठीक ना, नॉर्मल नहीं है, ब्लॉक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ब्लॉक स्लाइड आने स्मूथ इंक्लिनेशन थीटा, ये एंगल जो इंक्लिनेशन है वो थीटा दिया हुआ है, और ये ब्लॉक केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट, व्हेन द लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ ए रिटार्डेशन, ध्यान देना, लिफ्ट जो है वो नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब एसेंडिंग मतलब ऊपर जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे जाना, बट नीचे जा रहा है, बट रिटार्डेशन है यार, रिटार्डेशन है, तो अगर डिसेंडिंग नीचे जा रहा है और रिटार्डेशन है, रुकने वाला है, तो जो वेलोसिटी होगी तो वो तो डाउनवर्ड होगी, लेकिन एक्सलेशन जो है वो ऊपर लगेगा, तो अगर मैं इस सबको फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक रिलेटिव टू द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ब्लॉक का एक्सलेशन इंक्लाइंड प्लेन के रिलेटिव निकालना है, मतलब अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे बैठ के यहाँ से देखता है, ये ऑब्जर्वर खतरनाक आदमी, ये स्मूथ सरफेस पे भी रुक सकता है, तो अगर ये यहाँ से बैठ के देखेगा, तो ये अगर ऑब्जर्वर देखेगा तो ब्लॉक इसको किधर दिखाई देगा, ये हमें लगाना निकालना है, ठीक है ना, ब्लॉक का एक्सलेशन किधर दिखाई देगा ये हमें निकालना। तो सबसे पहले इस आदमी जो लिफ्ट के अंदर है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कुल कितने फोर्स लगेंगे उसको दिखाओ। सबसे पहले इस आदमी के अकॉर्डिंग नॉर्मल जो है वो रियल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, इस लाइन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एम जी लगेगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी ब्लॉक का एम। इसके अलावा देख रहे हो, ये इस आदमी को ब्लॉक नीचे आता हुआ, इस लाइन में नीचे आता हुआ नज़र आएगा, तो हमें नॉर्मल को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऑलरेडी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं हो रहा है, एम जी को हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा लिफ्ट का एक्सलेशन इस आदमी, ये जो आदमी है, इसका फ्रेम जो है सूडो फोर्स लगाएगा, लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि एक्सलेटेड फ्रेम में है, तो इसका फ्रेम ऊपर है, तो ये एम जी की डायरेक्शन में एक अलग से फोर्स लगाएगा जिसका नाम है सूडो, तो ये जो सूडो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगाएगा, दैट इज द एम में, तो ये सारी फोर्स, अगर ये एंगल थीटा है तो इस प्लेन के एलोंग जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा एम में प्लस एम जी, ये कॉस थीटा आ जाएगा, और इस इन ये नीचे आ जाएगा एम में और प्लस एम जी साइन थीटा मल्टी, ये साइन थीटा, तो ये अब ये आदमी ये कहेगा कि इस प्लेन के अलोंग मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल बैलेंस किया होगा एम ए प्लस एम जी ये, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से कॉस थीटा, मतलब ये आ जाएगा एम ए प्लस जी कॉस थीटा, नॉर्मल को बैलेंस किया होगा इक्वेशन नंबर पर, लेकिन हमें नॉर्मल नहीं निकालना था, ठीक ना, हमें निकालना था बच्चों नेट एक्सलेशन, तो जो डाउनवर्ड जो फोर्स आ रहे हैं यही इसको एक्सलेट करा रहे होंगे, तो नेट नेट जो फोर्स है डाउनवर्ड इंक्लाइन प्लेन के आ रहा है वो आ जाएगा एम ए प्लस जी साइन थीटा, तो अब हमें एक्सलेशन चाहिए डाउनवर्ड, तो एक्सलेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है, तो इसमें डिवाइड करोगे तो जी प्लस ए साइन थीटा इज द नेट एक्सलेशन, जो कि इसको जी प्लस ए साइन थीटा, मतलब इस हिसाब से ए ऑप्शन से इस आदमी को इतने एक्सलेशन से नीचे आता हुआ ब्लॉक नज़र आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।